आईएफटीएम विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय द्वारा कुष्ठ निवारण के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान जिला कुष्ठ रोग परामर्शदाता डॉक्टर भास्कर अग्रवाल ने बताया कि कुष्ठ रोग में शरीर की त्वचा के साथ साथ नसें प्रभावित होती हैं, परंतु ये छूत का रोग नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल ने ये जानकारी भी दी कि मुरादाबाद शहर में सरकारी अस्पतालों तथा जिला कुष्ठ रोग कार्यालयों पर कुष्ठ रोग का मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। फार्मेसी संकाय के डीन प्रोफेसर नवनीत वर्मा ने विद्यार्थियों के सम्मुख सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा ने कुष्ठ जागरूकता के संबंध में जिलाधिकारी मुरादाबाद का संदेश विद्यार्थियों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने ये भी कहा कि स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का एकमात्र उद्देश्य देश को कुष्ठ रोग से मुक्त करना है, जिसमें विद्यार्थी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के निदेशक प्रोफेसर सुशील कुमार ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित प्रस्तुत करते हुए कहा कि समाज में जागरूकता से इस रोग को समाप्त करने में सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्वेता वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल संपादन में डॉक्टर हरप्रीत सिंह, डॉक्टर पवन सिंह, डॉक्टर वर्षाराज, अलंकार श्रीवास्तव समेत फार्मेसी संकाय के समस्त फैकल्टी मेंबर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज आईएफटीएम विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में स्पष्ट कुष्ठ रोगी अभियान ये चलाया गया, जिसमें जिला अस्पताल मुरादाबाद के डॉक्टर भास्कर अग्रवाल उपस्थित रहे। इनके द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जो हमारे डी फार्मा और बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, कि किस तरीके से जो कुष्ठ रोगी हैं उनको पहचाना जा सकता है और कौन कौन से दवाइयां हैं जो इनके उपचार के लिए यूज़ की जाती हैं। एक समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि जो कुष्ठ रोगी हैं वो छुआछूत की बीमारी है, इनसे दूर रहना है। तो मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश रहेगी, ये निवेदन है कि इस प्रकार के जो कुष्ठ रोगी हैं इनको हम पहचानें कि इनको किस प्रकार का रोग हुआ है और इनको साथ समय एक इलाज मिल सके, जिससे कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। सरकार द्वारा 30 जनवरी से और 13 फरवरी तक ये अभियान चलाया जा रहा था। आज 13 फरवरी लास्ट डे है और इस दिन आईएफटी विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में भी इस अभियान को रखा गया। इस अभियान में जितने भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के और फार्मेसी संकाय के जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व रहे, उन्होंने एक जागरूकता के रूप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आईएफटीएम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको यही बताया कि अपने आसपास रहने वाले कुष्ठ रोगियों को पहचानें और उनका ससमय इलाज कराएं, और जो भी दवाइयाँ सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको ये बताएं कि आप वहाँ जाके अपना इलाज करा सकते हैं, जिससे कि इनको ससमय इलाज मिल सके। धन्यवाद।